विशेष विभाग दर्शकों, विशेष विभाग में आज हम अधीन योगों के बारे में जानेंगे। दर्शकों, यदि किसी भी जातक के जन्म कुंडली में सभी शुभ ग्रह चंद्र से छठे, सातवें और आठवें भाव में होते हैं और इन शुभ ग्रहों की पाप ग्रहों से युति नहीं होती या फिर इन शुभ ग्रहों पर पाप ग्रहों की दृष्टि भी नहीं होती, तो यह बहुत ही अच्छा फल देने वाला अधियोग बनाता है। इस जातक की कुंडली में अधियोग होता है, ऐसा जातक मंत्री, सेनाध्यक्ष या राज्यपाल भी बन सकता है। ऐसा जातक बहुत ही अध्ययनशील होता है, नई नई बातों को सीखने के लिए, नए नए क्षेत्र से जुड़ा हुआ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसा जातक हमेशा उत्सुक और तत्पर रहता है। ऐसे जातक की बुद्धि, क्षमता, योग्यता और प्रतिभा इतनी बलवान होती है कि ऐसे जातक पहली बार मिलने वाले लोगों को भी बहुत ही कम समय में आकर्षित कर लेते हैं। तो दर्शकों, विशेष विभाग में आज मैंने आपको अधियोग के बारे में